सरकार कह रही है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, क्या राहत मिल रही है किसान? सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ करी नहीं। सरकार ने तो कोल्ड पे निर्भय कर दिया है भाड़ा, कि चाहे 200 ले चाहे 300 ले। नमस्कार, मैं हूं आसिफ राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का अपना टॉप भारत चैनल में। किसान भाइयों, आज हम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के अंतर्गत आने वाला ये कस्बा पड़ता है तालीग्राम नीरज कोल्ड स्टोर में, और नीरज कोल्ड स्टोर के अंदर मौजूद है और हमारे साथ व्यापारी और कई यहाँ के जो किसान भाई हैं क्षेत्रीय और यहाँ के मैनेजर साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं जो आलू का अपडेट है, क्या आलू का भाव है और क्या आलू का भाव होना चाहिए और क्या आलू का भविष्य है, उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे और किसान लोगों से भी बात करेंगे। इसमें निकासी क्यासी क्या है उसकी भी अपडेट हम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मैनेजर साहब मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अपने यहाँ कोल्ड स्टोर की जो निकासी है, कितनी निकासी है हो चुकी है अभी? निकासी वही 10% हुई है। 10% हुई है। अच्छा, प्रतिदिन के अगर एवरेज में मान के चलें तो एक दिन में कितना आलू निकल जाता है? वही 300 से 400। 300 से 400। अच्छा, कोल्ड की कैपेसिटी की बात करें तो कितनी कैपेसिटी है? 3 लाख। 3 लाख है। 3 लाख ज्यादा नहीं? 3 लाख 80 हजार भरो है। अच्छा, जो आलू का भाव है वो क्या भाव चल रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम? जो सबसे अच्छा आलू का भाव है वहाँ से स्टार्ट करिए। हमारे यहाँ हालैंड बिक रही है 410-15-20 की जी, और कंचन बिक रही है 300 की। देखो जो गलत कही थी, एक मिनट भाई साहब, हमारे साथ आप कौन है? हम भैया यार, व्यापारी व्यापारी लोग हैं। अच्छा, नाम बता दीजिए पहले। के यादव। अच्छा, आप बताइए यहाँ क्या भाव चल रहा है? बताइए। हमारे यहाँ भैया कंचन जो है 2.5 से लेके जो है 300 रुपए तक चल रही है। कंचन आलू। अच्छा, आईलैंड आलू हालैंड चल रहा जो है 400 से लेके 250 रुपए तक। 400 से लेके 250। अच्छा, और जो इससे नीचे कोई आलू आता है जो सस्ता अभी? हाँ, सस्ता है, सफेद है। सफेद आलू, उसका क्या भाव है? उसका 200 रुपए से लेके 250 रुपए तक। 250 रुपए। अपने यहाँ चिप्सोना की आलू की मांग है क्या? चिप्सोना हमारे यहाँ है नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ऊर्जा वाला था, वो चैम्बर खत्म हो गया। अच्छा, ऊर्जा वाला जो चैम्बर का था चिप्सोना आलू, उसका क्या भाव बिका था? वो अब यहाँ तो है ही नहीं इस साल, जो है क्या बताया जाएगा। तो क्या कहते हैं कि मतलब आलू का भाव जो है इस समय प्रेजेंट टाइम ठीक ठाक चल रहा है, आगे क्या होगा आलू का भाव? अब इस समय जो है किसान ना आने के कारण मतलब थोड़ा बहुत रेट सही है, अगर किसान कंटिन्यू आए तो इतना रेट थोड़ा रहेगा। आलू की तो कमी है नहीं, किसान इस समय मूंगफली मक्का हर जगह उलझा है। अच्छा, वो बारिश के कारण किसान मतलब अपनी घर वाली फसलें नहीं देख पा रहा है, यहाँ आलू क्या देखे। अच्छा, जो क्षेत्र में जो लोकल जो आप जैसे कच्ची फसल का जो किसान आलू रखता है उसकी निकासी कब से स्टार्ट हो जाएगी? उसकी निकासी वही जो है 15 अक्टूबर के बाद ही होगी। 15 अक्टूबर ज्यादा लेट नहीं हो रहा? सितंबर में चालू हो जाएगा, लास्ट सितंबर। अपना नाम बताइए। अजय कुमार। किसान है? हाँ, किसान है। कितना आलू किए थे? करीब 30 बीघे। 30 बीघा। कितना पैकेट निकला था? निकला करीब 1,500-2,000 कम निकला। स्टोर कितना किया अभी? सब स्टोर ही है। कितना पैकेट स्टोर है इसमें? 2,500 हो रही है। 2,500 पैकेट। अच्छा, मतलब इसमें कितना आलू बेच देंगे आप? सब बेचेंगे, सारा बेचेंगे। हाँ। कौन सा आलू कौन सा है? आइलैंड कंचन। अच्छा, बेचने का इरादा है क्या अभी? बेच रहे। क्या रेट बेचा है? कुछ बेचा अभी? बेचा है। कितना रेट बेच दिया? 420-430। अच्छा, जो आलू का जो भाव अभी बिचा है वो क्या उचित रेट है? अब उचित नहीं है तो बेचना पड़ेगा। अच्छा, जो जो लागत है लागत वसूल हो जाएगी? नहीं होगी। कितना पैकेट प्रति पैकेट बिकना चाहिए था जो लागत? 500 रुपए कम से कम। 500 रुपए तो उसमें लागत कुछ बचता। अच्छा, क्या सरकार की तरफ से क्या कहना चाहिए? सरकार कह रही है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, क्या राहत मिल रही है किसान? सरकार क्या कर रही? सरकार कुछ करी नहीं। सरकार ने तो कोल्ड पे निर्भय कर दिया है भाड़ा, कि चाहे 200 ले चाहे 300 ले। भाड़ा यहाँ इस कोल्ड का 150 रुपए, 6 रुपए पल्लेदारी अगल है, सब कुछ अगल है। अच्छा, ये कन्नौज जिले में पूरे अगर भाड़ा कम हो जाए तो यही आलू आज हो जाएगा 470 रुपए, आज ही हो जाएगा भाड़ा। अच्छा, पूरे कन्नौज की अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसानों का आरोप यही है बराबर हर जगह
कि भाड़ा भाड़ा मनमानी कर रहा है। भाड़ा मनमानी यहाँ हो ही रहा है, क्षेत्र में छिबड़ा मऊ क्षेत्र में लिया जा रहा है, बीच कहीं लिया जा रहा है, कहीं बीच है। इस पे आप लोगों ने धरना भी कई बार किया है और प्रदर्शन किया कि हमने पारी साल शिकायत की, कुछ लोगों ने साल की, कुछ निष्कर्ष निकला हमने किया, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कितना पैकेट पड़ता है भाड़ा? एक सौ छप्पन रुपए विद लोडिंग। कितना होना, कितना चाहिए होना चाहिए भाई? 120 या 30, कहीं ना कहीं 30 रुपए प्रति पैकेट, 40 रुपए प्रति पैकेट ओवर है। हाँ अच्छा भैया, अपना नाम बताइए। जितेंद्र सिंह। आप भी किसान है? हाँ। कितना पैकेट किए थे आप? करीब 1500 लोग। 1500 सारा स्टोर है? सारा स्टोर। अच्छा कुछ बेचा अभी तक? बेच दिया है कुछ, 400 पैकेट। 400 पैकेट बेच दिया। 370 रुपए। 370 रुपए बेच दिया। आइलैंड बढ़िया। अच्छा अच्छा, तो आइलैंड आलू जो था कब बेचा, कब आपने? एक हफ्ता हुआ पिछली, अभी बड़ा है 10-20 रुपए। आलू का भाव बराबर अभी यही चल रहा है कुछ दिनों से? बस 350। अच्छा, आइलैंड आलू अगर सबसे बढ़िया जो भाव में बिका है वो किस रेट पर? एक आलू है जो गीला लगता है वही 400 से ऊपर है, 410, बाकी 350-370 है। जो अच्छा से अच्छा है वो 410 रुपए बस। अब बाकी जो है सब तो क्वालिटी अच्छी है नहीं है, किसी बीजा मिला है, किसी दागी है, किसी कटमार है, तो वो 350 के रेशियो में जा रहा है। जो लोग बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या लग रहा है कि आलू महंगा होगा? तो ओवर तो आलू है, जब गवर्नमेंट कहीं खिताब नहीं करे, कोल्ड भाड़ा सस्ता नहीं, व्यापारी तो उसी तरीका से लेगा, उसे 20 रुपया एडवांस जब कोल्ड में देने पड़ते हैं तो किसान क्यों दे? यहाँ तो किसान हमारी जा ही रही है। अच्छा, तो क्या क्या लगता क्या है आगे आने वाले समय में? आगे आने वाले में मौसमी मार रही है, केवल किसान को मूंगफली भी चली गई, मक्का भी चली गई, आलू भी चला जाएगा, इकट्ठा आएगा तो निकल नहीं पाएगा। तो ये कुछ अपडेट था जो कि कन्नौज जिले का था और ये ताली ग्राम क्षेत्र है नीरज कोल्ड स्टोर का। तो हमारी किसानों से भी बात हुई है और मैनेजर साहब से भी बात हुई। आलू का भाव जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है वो कहीं ना कहीं 400 रुपए, 400 और 410 रुपए उसकी लिमिट है। जो अच्छा आलू यहाँ पे जो क्षेत्र में अगर बात करें हम, तो चिप्सोना आलू की बिल्कुल भी यहाँ पे उपज नहीं है और बिल्कुल भी यहाँ चिप्सोना आलू नहीं होता है। मेरे ख्याल से जो ये जो कोल्ड स्टोर है यहाँ पे कोई भी चिप्सोना आलू एक भी पैकेट यहाँ पे नहीं है, ज्यादातर आलू हाईलैंड है और हाईलैंड जो सबसे अच्छा आलू है उसकी जो डिमांड है और मार्केट वैल्यू है वो 410 रुपए है। तो ये आज का आलू का अपडेट था और फिलहाल में ये अपडेट आपको लगातार आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें और वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें। पहली बार अगर चैनल पे आए तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। धन्यवाद।